आपका प्यार मिला है, ये वादा मेरा है कि आपके बीच में, आपकी लड़ाई में जब जब मेरी जरूरत पड़ेगी, पूरी तौर पर आपके बीच में आकर खड़ा भी होऊंगा, उस लड़ाई को लड़ने का भी काम। पर आज ये विधानसभा का चुनाव कोई मेरी लड़ाई नहीं है, ये तो हरियाणा के कमेरे की किसान की लड़ाई है। और इसलिए आपसे विनती है, आपसे प्रार्थना है कि कमेरे और किसान की लड़ाई को लड़ने के लिए अब आप सबको एक होना पड़ेगा, एक मन बनाकर। जहां उचाणा की सीट तो जितानी है, वही अपनी जितनी रिश्तेदारियां नरवाड़ा के अंदर है, आज ही टेलीफोन निकालकर राम निवास के पक्ष में भी वोटों की अपील करें। जितनी रिश्तेदारी और हरियाणा प्रदेश के अंदर है, साथियों फोन निकालो, उनसे आग्रह करो, विनती करो कि वो आपके साथ लड़कर इस मुहिम को और तेजी से आगे ले जाने का काम। और ये मान लेना, जब आप जैसा एक एक साथी मैदान में उतरेगा, मजबूती के साथ इस लड़ाई को लड़ेगा, तो फिर प्रदेश के अंदर कमेरे का राज भी बनेगा। और कमेरे का राज बनेगा तो फिर दोबारा हमारी 80 चौपालों की मरम्मत नहीं होगी, उनको दोबारा नए ढंग से दोबारा बनाने का हम काम करेंगे। फिर पीले राशन कार्ड जो बीजेपी ने काटे हैं, उनको दोबारा दुरुस्त कर गरीब के तक उसका पूरा सम्मान पहुंचाने का काम किया जाए। बुढ़ापा पेंशन 5100 करी जाएगी, पीने के पानी की व्यवस्था के लिए मटके उठा उठाकर आपको टैंकियों की ओर नहीं जाना पड़ेगा, हर घर तक स्वच्छ आरो का पानी डिलीवरी कराने का हमारा वादा है। यहां कैंसर जैसी बीमारी आज हर व्यक्ति के परिवार में पहुंच चुकी, ये निर्णय हमने किया था, ये वादा हमने किया था कि आपका राज बनने पर हरियाणा प्रदेश के अंदर कैंसर जैसी, काले पीलिया जैसी जानलेवा बीमारियों का पूरी तौर पर इलाज का खर्चा, चाहे मेदांता चले जाइयो, चाहे अपोलो चले जाइयो, सरकार उठेगी किसी एमपी एमएलए के दस्तक कराने के लिए। साथियों मैं तो विनती करता हूं, प्रार्थना करता, हमारी पार्टी की जितनी घोषणाएं, अब आपको हमारा मुख पत्र बनना पड़ेगा, आपको हमारी आवाज बननी पड़ेगी, यहां बैठे एक एक साथी को दुष्यंत बनना पड़ेगा, मैदान में उतरकर एक एक व्यक्ति तक पहुंचाना पड़ेगा। और जिस दिन आपने कर दिया, ये मान के चलना छात्र गांव ही नहीं, उचाणा ही नहीं, पूरा हरियाणा आप बदलने का काम करोगे, इतनी ताकत आप। मुख्यमंत्री जिंदाबाद। छात्र की धरती का एक विशेष लगाव हमारे परिवार के साथ, चौधरी देवीलाल जी के समय से आज तक आप लोगों ने बहुत मजबूती के साथ जो भी परिस्थितियां रही, आपने संगठन को, पार्टी को ताकत देने का काम किया। और मैं तो आज भी विनती करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि छात्र गांव और साथ तौर पर वाल्मीकि समाज के जो लोग आज यहां मौजूद, यह आपकी जिम्मेवारी है, अगले 10 दिन में इस गांव में दुष्यंत बनकर काम करो। और जो एक चीज है छात्र को आज से पहले कोई नहीं दे पाया, वो शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए कॉलेज की व्यवस्था का है। ये वादा मेरा है कि राज बनने पर छात्र की इस पावन धरा पर एक कॉलेज की व्यवस्था बढ़ाई जाएगी, जिससे फिर आपको वीरेंद्र सिंह के प्राइवेट कॉलेज के पढ़ने के लिए उचाणा नहीं जाना पड़ेगा। वो तो छात्र वालों से पर्चियां तो कटाई, मगर नाम रख लिया राजीव गांधी के नाम पर, फिर कांग्रेस छोड़ दी। साथियों आज शिक्षा के स्तर को आपके गांव देहात तक पूरी तौर पर दुरुस्त करने का हम काम करें, वही जो गंदे पानी की निकासी की समस्या है उसको पूरी तौर पर गांव से खत्म करने का काम। आज अनेक ऐसी चीजें हैं, मैं समय लगाऊंगा क्योंकि गांव अभी तो हम 3 बीच में छोड़ के आए, गणे पड़े हैं, 8 और गांव पड़े। और मैं पूछ रहा था प्रभारियों से, मगर रोटी राटी का जुगाड़ है नहीं, क्या अभी 2 गांव बाद खिलाएंगे, डिनर कराएंगे। मगर ये तो चुनाव में चलता रहेगा, समय सीमा ऐसी है। मगर जहां आपको समय दिया हुआ था, यहां समय पे आना जरूरी था। तो मेरी साथियों से सबसे यही विनती है कि अब
परिवर्तन का समय है। इस बीजेपी ने हमें बांटा है, अब बटना नहीं है, हमें जुड़ना है और एक होकर इस लड़ाई को लड़ने का काम करना है। मैं तो एक साथ ही बीजेपी वाला बैंड पहन एक वीडियो बना रहा है, तन्ने भी बोलूंगा अब जेजेपी वाला पहन ले आज। तू मन तेरा साफ है, तू इतना चल के आ गया तो अब इस बैंड की के रहेगी। साथियों मैं तो तमाम साथी पहना दे, अब तू ही पहना दे। युवा साथी है, मन में दुष्यंत था, मजबूरी में बैंड आ गया और इसका मैं धन्यवाद करूंगा कि इसने देखो भावना दिखाते हुए आज आपसे जुड़ने के लिए आने का दम तो रखा। और इसी तरह अपील करता हूं कि अगले 10 दिन एक 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 साथी यूं ही मैदान में जाकर एक एक साथी को दुष्यंत बनाए, तभी जाके उचाणा की ये सीट एक ऐतिहासिक अंतर से जीत रहेगा खान को। और मैं तो छात्र के कार्यकर्ताओं से आग्रह करूंगा कमर कस लो, ढिलाई ना बरतो, नहीं तो मेरे को गुदड़ बिस्तरे लेके छात्र में पढ़ना पड़ेगा। मैं तो दोबारा सभी साथी खास तौर पर हमारी कमेटी का जिसने इस पावन प्रकाश पर्व को बनाने का काम किया आभार प्रकट करता हूं और यही विश्वास दिलाता हूं जितने भी गांव के आज हमारे छात्र के भी लगभग 64 परिवार आज शामिल हो रहे हैं वाल्मीकि परिवार, मैं उन सबका भी तहे दिल से अभिनंदन करूंगा। आप सब आए।